जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह आशु के नेतृत्व में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होकर मुख्य चौराहे से होते हुए पीपल चौराहे से होते हुए वापस सीएससी परिसर पर आकर संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिलग्राम मल्लावा विधायक आशीष सिंह के नेतृत्व में सीएससी परिसर से एक पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा दीपा अमित विश्वास के संयोजन में निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा सीएससी परिसर से निकली, जो मुख्य मार्ग से होते हुए पीपल चौराया होते हुए वापस सीएससी परिसर पर आकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल राठौर, सीएससी अधीक्षक राजेंद्र कुमार, डॉक्टर कपिल देव, भाजपा नगर अध्यक्ष नीरज गुप्ता, अमित विश्वास, मंगत राम, टोनू शर्मा, शालू खां, रचित राठौर के अलावा सैकड़ों समर्थक रैली में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जयकार के नारे लगाए। विधायक आशीष सिंह आशु ने कहा कि तिरंगा झंडा हम सभी की आन बान और शान है। इसके लिए तिरंगे का सम्मान सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। आजादी का जश्न सभी को मनाना चाहिए। देश की आजादी में अपनी कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को भी याद करना चाहिए। जनपद हरदोई के बिलग्राम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया गया। उप निबंधक कार्यालय तहसील ब्लॉक में ध्वजारोहण किया गया। नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल राठौर द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। वहीं स्कूलों में भी अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कोतवाली बिलग्राम में प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव ने ध्वजारोहण किया। बीआरसी में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। वहीं एसडी पब्लिक स्कूल प्रबंधक कपिल देव ने ध्वजारोहण किया। इसी श्रृंखला में एसडी पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा जोरदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बिलग्राम सीएससी परिसर में भी तिरंगा पैदल यात्रा निकाली गई, जिसका संयोजन दीपा अमित विश्वास द्वारा किया गया। इसी श्रृंखला में कई गाँव में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र के रहुला गाँव में मदरसा जामिया नूरिया मजरूल में मौलाना आसिफ एवं मौलाना मोहम्मद उमर ने ध्वजारोहण किया और बच्चों ने कौमी तराने गाए। बिलग्राम नगर में पूर्व प्रत्याशी का अध्यक्ष आशिफ अली, उप निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस और मदरसा जामिया मीर अब्दुल वाहिद कन्नौज बाईपास रोड बिलग्राम में जाकर ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया और नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नया एडवांस जो मेरे चेहरे से पंजाबी सितिल गुजरात द्राविड़ उचिकल विंदे विंदे माचल यमुना गंगा ऊचल चलक तिरंगा तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए गब गए गाता जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय 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 हमारे पूर्वजों ने दी और आजादी के बाद हम कहां तक पहुंचे, ये सब
हम सबको शिक्षक हमारे समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी बच्चों को इसके बारे में कौन कौन हमारे महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई, आज़ादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, इस सब की जानकारी रखकर हम इस देश के नागरिक हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए, हमको उसके बारे में जानना चाहिए। जनपद हरदोई की बिलग्राम थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा कटरी छिपरामऊ गांव निवासी अचल पुत्र मुंशी लाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही विपक्षी गण श्यामू से कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर वाद विवाद हो गया था, जिसकी रंजिश मानते हुए श्यामू, राजू कुमार, रामचंद्र समेत सभी लोग मुझे बद्दी बद्दी गालियां देने लगे। मेरे मना करने पर विपक्षी गणों ने लाठी डंडों से मुझे पीट दिया, जिससे मेरे सिर व शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। बीच बचाव कराने आई मेरी बहन कंचन देवी को भी विपक्षी गणों ने बहुत, जिससे भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर उक्त सभी विपक्षी गणों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराया। प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जांच कर आरोपी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से SPN के लिए नफीस अहमद की रिपोर्ट। फिर हम लोग घर पे गए तो उसके बाद में ये लोग, आज मैं ऑटो चला रहा था, इन्हें अपने घर में अंदर खींच के मेरे को मारा है। किस बात का विवाद था आपके साथ? पैसे 10,000 लिए थे उधार पिछले साल सावन में। अच्छा, किस ने मांगा था? किसने उधार लिए थे? श्यामू ने। इस बात को लेकर विवाद हुआ था, तो किन लोगों ने मारपीट किया आपके साथ? श्यामू, राजकुमार और रामचंद्र, गणपत, उनके घर वाली लेडीजों ने। अच्छा, क्या नाम है आपका? अचल। किस गाँव रहने वाले? मोहनपुरवा।